नहीं बच रहा था बच्चा। कायदे आजम की दादी के यहां 11 हुए और मर गए। दादी परेशान, पड़ोसन ने कहा क्या परेशानी है, बचेगा बच्चा, जुलझना आए तो उसके घुटने के सामने सजदा कर लेना, जहां उसके सुम है वहां सड़क पे जाके पेशानी रख देना और कहना, जुलझना से कहना बेटा दे और जिंदा रख। कायदे आजम के अब्बा पैदा हुए बंबई में, तो पता चला पाकिस्तान जुलझना के सुमों का सत्ता है, घोड़े का सत्ता, घोड़े का सत्ता। जुमला सुन लो, चूंकि जुलझना की वजह से ये मुल्क बना, पूरे मुल्क की आबादी को जुलझना के सुमों पर सजदा करना चाहिए। झूठे हो, खुदा दाद नहीं है, खुदा ने ये मुल्क नहीं दिया, घोड़े ने दिया है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा नहीं, पाकिस्तान का मतलब क्या, जुलझना। पाकिस्तान का मतलब घोड़ा, अरे हुसैन का सभी का घोड़ा जब दुआएं पूरी कर देता है तो हुसैन क्या है, जो रब बन जाए।